हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 16 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए नोडल एजेंसी स्थापित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राज्य में निवेश के लिए नोडल एजेंसी स्थापित की है। जो भी लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हो या निवेश करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को इजी और जल्दी करने के लिए कम से कम 15 दिनों में इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यह एजेंसी की स्थापना की है, नोडल एजेंसी, ताकि यहां की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके और अर्थव्यवस्था को सुधारी जा सके। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है और आर्थिक मंदी चल रही है, इसी कारण से इस नोडल एजेंसी की स्थापना की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है और यहां पर वर्चुअल अदालतों की भी स्थापना की गई थी अभी। और इस राज्य की राजधानी है लखनऊ और यहां के चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट, यानी योगी आदित्यनाथ जी, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और इस राज्य के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात से है और यह उत्तर प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 में, कब? 1950 में, जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस राज्य में लोकसभा सीटें सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है, 404। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? बांग्लादेश ने, चीन ने, भारत ने, पाकिस्तान ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है। और इसे भारत ने खारिज क्यों किया है? तो भारत ने इसे इसीलिए खारिज किया है क्योंकि इसमें लिखा गया था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। क्या? अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। क्या है? डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हाल ही में भारत आए थे मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में है, उसके उद्घाटन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया। पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है। क्या रखा है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही मिले हैं। और इस राज्य के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के राज्यपाल। और हाईकोर्ट का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 यानी 1960 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। इस राज्य की राजभाषा है मराठी। क्या है? मराठी यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। यही है शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिनका अभी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। यह पहले क्रिकेटर है जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। और अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव। कौन बने थे? राहुल देव पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट बने थे। और यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी चलती यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री है आरिफ, सॉरी
क्रिकेटर इरफान खान। कौन है? क्रिकेटर इरफान खान यहाँ के प्रधानमंत्री है और यहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में अमेरिका ने किस देश को उच्च क्षमता वाले 100 वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को अभी हाल ही में अमेरिका ने उच्च क्षमता वाले 100 वेंटिलेटर दिए हैं या प्रदान, और इसके पहले भारत ने भी अभी अमेरिका की मदद के लिए कोरोना वायरस महामारी में मेडिसिन देने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है और पैरासीटामोल, यहाँ अमेरिका के साथ कई अन्य देशों को भी यह दवाई दी थी। इससे कोरोना वायरस को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए यह दवा दी गई थी। और अभी अमेरिका ने 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में स्वास्थ्य सेवा पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSIR। CSIR ने स्वास्थ्य सेवा पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य सेवा पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है CSIR ने। किसने? CSIR ने। और यह इसलिए लॉन्च किया है, अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण टाइम पर मेडिसिन दवाई और PPE जो भी स्वास्थ्य में सुविधाएं होती है वह टाइम पर सही जगह पहुंचाने के लिए यानी डिलीवरी करने के लिए इसने यह पोर्टल लॉन्च किया है आरोग्य पथ, ताकि सही समय पर पहुँचा सके और किसी की जान बचाई जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CSIR। अब बात कर लेते हैं CSIR की। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। यह एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है जिसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 को। कब? 26 सितंबर 1942 को। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख है महानिदेशक शेखर मांडे। कौन है? शेखर भांडे इसके प्रमुख है। और इसका हिंदी में पूरा नाम है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSIR। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में तमिलनाडु राज्य ने किस शहर का नाम बदलकर कोयम्पुथत्तूर रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर इसे कोयम्पुथत्तूर कर दिया है। क्या? कोयम्बपुथत्तूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका नाम बदलकर तमिलनाडु ने कोयम्बपुथत्तूर कर दिया है, कोयम्बटूर का, सॉरी ये नहीं ये। और इसने अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है नाम बदलकर। इन्होंने अभी 1018 चीज़ों के नाम बदले हैं। कितने? 1018 चीज़ों के नाम। और यह एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के पलानी स्वामी और राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है चेन्नई में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1950 में और यहाँ की राजभाषा है तमिल। क्या है? तमिल। और तमिल दुनिया की यह पहली भाषा है, संस्कृत से भी पहले की भाषा है तमिल। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है? तमिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैजादा भरूचा। कौन है? कैजादा भरूचा HDFC बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। यही है कैजाद भरूच, जिनको HDFC बैंक के फिर से मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए हैं। इन्हें फिर से कैजाद भरूच को HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इस बैंक का HDFC का पूरा नाम है यह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। कब? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसके MD एंड CEO है आदित्य पुरी। कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है।
अब जान लेते हैं यह क्या होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति खराब होती है या इन्हें खराब किया जाता है जिस तरीके से हम इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आजकल यह ट्रेंड भारत में भी चल रहा है कि बुजुर्गों के साथ में नहीं रहते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति इससे खराब होते जाती है। इसी के प्रति आवाज़ उठाने के लिए यह वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाया जाता है। यह अभी तक तो विदेशों में चलता था लेकिन अब यहाँ भारत में भी यह ट्रेंड चलने लगा है कई जगह पर। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वह परिवार के साथ में रहे, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ में, तो इसकी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यह वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाया जाता है ताकि उनके साथ में रहें और उनकी देखभाल करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस दिवस की थीम क्या है, तो इस दिवस की थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस। लिफ्टिंग अप वॉइस इस दिवस की थीम है। तो आप सभी लोग भी अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ में रहें और उनकी देखभाल करें ताकि उनका जीवन अच्छे से चल सके। जब उनका कोई सहारा ना हो तब आप उनका सहारा बने, यह इस दिवस का उद्देश्य है। इसकी थीम क्या थी, लिफ्टिंग अप वॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथी लूडर्स। कैथी लूडर्स को पहली बार नासा ने किसी महिला को फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख नियुक्त किया है। और यह फ्लाइट प्रोग्राम क्या है, तो 2024 तक नासा का उद्देश्य है कि वह अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजे। कब तक, 2024 तक। तो इसी का नेतृत्व करने के लिए कैथी लूडर्स को प्रमुख निदेशक नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही है कैथी लूडर्स, जिनको अभी नासा ने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के निदेशक नियुक्त किया है। नासा के प्रभाव में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना की गई थी सन 1958 में। कब, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथी लूडर्स। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।